नमस्कार, रियासी जेके न्यूज़ देख रहे हो आप। जिला रियासी के तहसील पौनी की यज्ञशाला की ये तस्वीरें हैं, जहां पे आपको बता दें वीर स्तंभ में कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को याद किया जा रहा है। डीसी रियासी बबीला जी जहाँ पे पहुंची हुई हैं। कारगिल विजय दिवस के जो हिस्सा रहे हैं वो कैप्टन जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज डीसी मैडम जी यहाँ पे पहुँचे थे, वीर स्तंभ में यहाँ पे पहुँच के उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। जो हमारे वीर सैनिक जो हैं वो उस विजय दिवस में शहीद हुए हैं, एक हिस्सा रहे हैं। जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं सर किस तरह से जो युद्ध है कितने दिन तक चला था और किस तरह से लोगों को जो प्रॉब्लम आई थी जो सैनिक थे वो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली समझाइए। कारगिल युद्ध जो है वो 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक 1999 में ये चला था, और उसके बीच कठिनाइयाँ तो युद्ध में हमेशा आती हैं, ये नहीं आती, कहीं किसी साइड से कोई किसी साइड से। तो जो सोल्जर ऊंचे मराल का हो और सही ट्रेनिंग शुदा हो वो उन कठिनाइयों को दूर करता हुआ अपने विजय की तरफ आगे बढ़ता है। उसी का हिस्सा बनी हमारी 13 जम्मू एंड कश्मीर परमवीर चक्र बटालियन, क्योंकि इसे 2 परमवीर चक्र से नवाजा गया है और भी काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। और कहते हैं कि वहाँ पर फौज नहीं थी, हमारे पास जीते जागते सबूत हैं। फौज पाकिस्तानी 6 लाइट इन्फेंट्री बटालियन जो हमारे आगे उनकी बटालियन लगी हुई थी, जिसके वो हिस्सा थे युद्ध के पाकिस्तान के, और हमारे सामने वो युद्ध लड़ रहे थे। कितना मुश्किल था कि वो पहाड़ी पे थे कि हमारी सेना जो है वो नीचे थी? काफ़ी 18,000 फीट की हाइट को चढ़ के ऊपर जाना था हमको, वो 18,000 फीट ऊपर बैठे हुए थे। तो आप ही सोच लेते हैं 18,000 फीट और ठंड के बीच और बर्फ़ के बीच कैसे चढ़ा जाता था, बहुत कठिनाई थी। अपना हाथ दिखाई नहीं देता था वहाँ पर, इतनी मुश्किल रास्ते। कितने दिनों तक युद्ध था और खाने पीने का क्या प्रबंध? खाने पीने का ऐसा था कि शुरू में कोई भी काम करना हो तो उसमें थोड़ी मुश्किलात तो इतनी हमको आई नहीं, क्योंकि ये एक प्लान बनाई जाती है, ये प्लान के अनुसार कुछ ट्रूप्स जो है वो खाने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि फाइटिंग ट्रूप्स को आगे जो खाना पहुँचाते हैं। हमें शुरू में हम 3-4 दिन के लिए हम अपने साथ राशन लेके गए थे, हमारे पकी हुई रोटी जो हमारे पास चने और पूरी जो थी वो 4-5 दिन के लिए हमारे जेब में थी, परमिशन लेके गए, परमिशन लेके गए, तो सब कुछ हमारे पास था। कितने दिनों तक ये युद्ध चला था? ये 26 जुलाई तक युद्ध चला जी, और 26 जुलाई को युद्ध समाप्त हो गया। कितने जो हमारे वीर सैनिक थे वो शहीद हुए? हमारे वीर सैनिक 527 वीर सैनिक जो हमारा शहीद हुआ, और 1300 के आसपास जो है वो इंजर्ड। तो जो दुश्मन है पाकिस्तान के जो आतंकवादी वहाँ पे पहुँचे थे वो कितने थे, वो कितनी तादाद थे? उसके पास तो कम से कम भी कोई जो एक बटालियन है उनकी बटालियन, हमारे पास एक बटालियन लगी थी अलग अलग सेक्टर में, उनकी जो है अलग अलग बटालियन लगी थी। जो हमारे फसाम में थी वो 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री लगी हुई थी एक बटालियन। ऑपरेशन विजय हुआ था 1999 में, 3 मई को शुरू होकर 26 जुलाई को कल्बिनेट हुआ था। 60 दिन से ज़्यादा की ये जंग थी, इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था, और हर साल हम मनाते हैं। आज 25वां है दिवस है, 25वां है, 25 ईयर्स की पब्लिक। लेकिन आज भी मुझे याद आता है जब ये कारगिल वॉर शुरू हुई थी उस वक्त क्या हालात थे और कैसे लोग गए थे, हम लोगों को कितनी चैलेंजिंग टास्क, खासकर फौजी भाइयों को कैसे चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि हम लोग बड़ी वल्नरेबल पोजीशन में थे और जो दुश्मन था वो बेटर पोजीशन था, वो एक हाइट पे था और हमारे यहाँ से जो जवान जो ऑफिसर जाते थे वो नीचे से ऊपर चढ़ के जाते थे। कई यंग ऑफिसर्स जो अभी अभी IMA से या पास आउट हुए थे, अभी 21 साल के 19 साल 20 साल के लड़के थे, वो गए थे यहाँ पर। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सभी जानते हैं, कर्नल मनोज पांडे जिनको बोलते हैं, ग्रेनेडियर्स के थे, और ये सारे के सारे वहाँ पर जिन्होंने बहादुरी के साथ लड़े और जीत हासिल की। मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से रखती हूँ, पर जो आर्मी का जो एक एनवायरनमेंट है,
जो देश के लिए मर मिटने की जो एक जज्बा रहता है वो मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर भी है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आर्मी में है, वो उस तरह से ट्रेन किया जाता है, बच्चा ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से देश के लिए लड़ना है और वो लड़ते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं, आप सभी जानते हैं क्या वहाँ पर मिसालें कायम की थी, किस हालात में लड़े थे। और एयरफोर्स तो खैर बाद में आई थी, लेट स्टेज पर आई थी मैदान में, और ऑपरेशन सफ़ेद, सागर सफ़ेद के तहत उन्होंने अटैक किया था, लेकिन लास्ट में आई थी। लेकिन लड़ने वाले जो फ्रंटियर फोर्स के थे, चाहे वो राजरिफ हो, चाहे वो ग्रेनेडियर्स हो, जैकरिफ हो, ये सारे के सारे आगे गए थे और इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़े थे। और वो जो वाकई कैप्टन विक्रम बत्रा का आज भी दिल मांगे मोर, वो मुझे लगता है आज भी हमारे अंदर गूंजता है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए किस हद तक गए थे और कितने जुनून और जज्बे के साथ गए थे। जो मार्टियर्स हो गए और जो उनके परिवार जो हमारे साथ रहे गए, उन्होंने हमेशा उसको बड़े फख्र के साथ, उनके लिए तो एक जिंदा मिसाल रह गई, लेकिन हमारे लिए भी वो एक आदरणीय लोग हैं। और महाराज जी ने जिस तरह से उनके लिए करगिल मार्टियर्स के लिए यज्ञ करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी वो तो सब शहादत पा कर मुझे लगता है वो जिसे बोलते हैं वो एक क्या बोलते हैं वैकुंठ में चले गए हैं, वैकुंठ में उनके लिए जगह बनी गई थी जिस दिन उन्होंने शहादत पाई इस देश के लिए। लेकिन उनके साथ साथ जो लोग हैं, जो उनके साथ परिवार थे, या उनके नेबरहुड में, या उनके पड़ोसी थे, या उनके कोलीग्स थे, या उनके क्लासमेट्स थे, वो सब भी मैं बोलती हूँ आज फख्र करते हैं कि उनके एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ हुई। ये हमारे लिए हमेशा लोग जो है दिल में एक जगह बना के गए हैं और हमेशा रहेंगे।